फर्स्ट स्टेप क्या है, एक साल्ट को टच करके देखना है कि कौन सा है बोल के। ये स्मूथ है तो इसका मीनिंग होता है ये अमॉर्फस है। उसके बाद क्या है बोले तो कलर देखना है, इसका कलर क्या है व्हाइट है। तो थर्ड स्टेप क्या है बोले तो सॉल्युबिलिटी टेस्ट। तो एक साल्ट लेना है, एक साल्ट लेने के बाद क्या है बोले तो इसको वाटर में क्या है डिजोल्व करना है। अगर ये सॉल्युबल रहा तो क्या होता है बोले तो यहाँ पर क्या है बोले तो ये एक अमॉर्फस है, हमने वाटर में ऐड किए हैं। ये स्टार्टिंग में आपको सॉल्युबल की तरह दिखता है लेकिन सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या है बोले तो ये इनसॉल्युबल रहता है। लेकिन दिमाग में ये रखो कि कौन सा भी अमॉर्फस क्रिस्टल, जो भी अमॉर्फस साल्ट है वो वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। ओके, तो इसे इनसॉल्युबल। तो अभी हम क्या करते हैं, डिटेक्शन ऑफ एन एसिड रेडिकल। तो डिटेक्शन ऑफ एन एसिड रेडिकल में ग्रुप वन में क्या है, साल्ट पाइलोर SPSO4 है। पहले क्या है बोले तो एक टेस्ट ट्यूब में साल्ट है, अभी हम क्या कर रहे हैं बोले तो डाइल्यूट SPSO4 ऐड कर रहे हैं। तो इसमें हमने ऐड किया, तो ऐड करने के बाद देखो जब हम ऐड करते हैं ना उसमें क्या हो रहा है बोले तो ब्रिस्क एफरेसेंसिव, मतलब जब हम ऐड करते हैं ना जब वो साउंड आता है ऐसा, उसको हम बोलते हैं ब्रिस्क एफरेसेंसिव। इसका मीनिंग होता है CO3-2 इज प्रेजेंट। ओके, इसका सीटी टेस्ट कैसे करते हैं बोले तो साल्ट को हम क्या करते हैं बोले तो लाइम वाटर से हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर देखो सीटी टेस्ट कैसे करते हैं बोले तो एक टेस्ट ट्यूब लेना है, टेस्ट ट्यूब लेने के बाद क्या है बोले तो साल्ट लेने का है। साल्ट लेने के बाद हम क्या करना है बोले तो लाइम वाटर ऐड करना है। तो यहाँ पर क्या है लाइम वाटर है, तो ये लाइम वाटर है। ओके, देखो क्या करते हैं बोले तो कंफर्मेशन टेस्ट करते हैं इसका ग्रुप वन का। तो पहले क्या है बोले तो एक टेस्ट ट्यूब में साल्ट ऐड कर रहे हैं, साल्ट ऐड करने के बाद लाइम वाटर ऐड कर रहे हैं। तो साल्ट प्लस लाइम वाटर ऐड करने के बाद यहाँ पर देखो कि व्हाइट पीपीटी या व्हाइट कलर फॉर्मेशन होना। ओके, यहाँ पर हो रहा है ना, तो व्हाइट फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो इसका मीनिंग होता है कि CO3-2 इज प्रेजेंट। तो इसके बाद कौन सा भी ग्रुप को हम क्या करना है बोले तो आगे नहीं जाना है क्योंकि हमारे पास ग्रुप वन प्रेजेंट आ रहा है। सो द ग्रुप प्रेजेंट इज कौन सा है, ग्रुप वन। तो द एसिड रेडिकल इज CO3-2। ये क्या है बोले तो एक स्टेप खत्म हुआ। अभी हम क्या करना है, बेसिक रेडिकल फाइंड आउट करना है। तो बेसिक रेडिकल के पहले हम क्या करना है बोले तो ओरिजिनल सॉल्यूशन प्रिपेयर करके रखना। कैसे प्रिपेयर करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, टेस्ट ट्यूब में क्या है बोले तो थोड़ा साल्ट लेना है। साल्ट लेने के बाद डाइल्यूट HCl हम यूज करेंगे। आपको वाइवा में क्वेश्चन पूछा है कि क्यों हम अमॉर्फस साल्ट डाइल्यूट HCl में यूज कर रहे हैं बोले तो क्योंकि जो भी अमॉर्फस साल्ट है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। सो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इनसॉल्युबल इन वाटर जो भी अमॉर्फस है वो क्या है बोले तो डाइल्यूट HCl में सॉल्युबल होता है। तो यहाँ पर देखो अभी अमॉर्फस साल्ट है, अभी मैंने यहाँ पर डाइल्यूट HCl ऐड किया हुआ है। तो देखो यहाँ पर पूरा क्या हो रहा है, इधर सॉल्युबल हो रहा है। इसको कंपेयर करो और यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में मैंने वाटर ऐड किया हुआ है, तो इन दोनों में डिफरेंस देखो। यहाँ पर क्या है अमॉर्फस प्लस वाटर है, यहाँ पर क्या है बोले तो अमॉर्फस प्लस डाइल्यूट HCl है। तो यहाँ पर इनसॉल्युबल है, ये क्या है बोले तो सॉल्युबल है। ये हम क्या करते हैं ओरिजिनल सॉल्यूशन की तरह काम करते हैं आगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, इधर एक और टेस्ट ट्यूब में लेना है, यहाँ पर टेस्ट ट्यूब है, इसको हम क्या करना है बोले तो साल्ट है प्लस क्या है बोले तो NaOH ऐड करना है। साल्ट प्लस NaOH, साल्ट प्लस NaOH। ओके, ये ऐड करने के बाद इसका स्मेल देखना है, सिर्फ केमिस्ट्री में ये एक ही स्टेप का क्या है बोले तो स्मेल देखना है। ओके, तो अगर पंजेंट स्मेल रहा तो उसको हम बोलते हैं जीरो ग्रुप इज प्रेजेंट, लेकिन यहाँ पर कौन सा भी स्मेल या किसी का भी स्मेल नहीं आ रहा है तो इसका मीनिंग होता है जीरो ग्रुप इज एब्सेंट, यानी नो स्मेल ऑफ अमोनिया, सो जीरो ग्रुप इज एब्सेंट। तो अभी हम क्या करना है बोले तो सीरीज नंबर फोर में जाना है। उसमें क्या है, एक टेस्ट ट्यूब है, तो टेस्ट ट्यूब में हम क्या कर रहे हैं बोले तो
थोड़ा ओरिजिनल सॉल्यूशन लेना है, यहाँ पर ओरिजिनल सॉल्यूशन है, इसमें हमने ऐड करे हैं। ओके ओरिजिनल सॉल्यूशन ऐड करने के बाद और केमिकल क्या क्या है, NH4Cl एक है और NH4OH है, NH4OH चाहिए, इसको हमने ऐड किया है NH4OH प्लस क्या है बोले तो NH4Cl, तो ये क्या है NH4Cl। ओके तो यहां पर कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है, तो इसका मीनिंग होता है नो पीपीटी। नो पीपीटी का मतलब होता है इधर थर्ड ग्रुप इज एब्सेंट और फोर्थ ग्रुप इज आल्सो क्या है बोले तो एब्सेंट। अभी हम क्या करना है बोले तो इसी कंपाउंड को अमोनियम कार्बोनेट ऐड करना है, अमोनियम कार्बोनेट। तो यहां पर क्या है अमोनियम कार्बोनेट है, तो अमोनियम कार्बोनेट ऐड करने के बाद यहां पर देखना कि क्या फॉर्मेशन हो रहा है इधर व्हाइट पीपीटी। तो यहां पर देखो पीपीटी और व्हाइट पीपीटी में बहुत डिफरेंस रहते हैं, जो भी कर्ड की तरह दिखता है ना उसको हम बोलते हैं व्हाइट पीपीटी। तो इसका मीनिंग होता है फिफ्थ ग्रुप इज प्रेजेंट, तो उसके नीचे लिखना है कंक्लूजन में द ग्रुप प्रेजेंट इज कौन सा है इधर फिफ्थ। तो उसके बाद हम क्या करना है ये फिफ्थ ग्रुप को हम एनालिसिस करना है यानी सीटी टेस्ट कराना है, तो इसको एक तरफ रखो। तो अभी क्या है एनालिसिस ऑफ ग्रुप फिफ्थ, तो एनालिसिस ऑफ ग्रुप फिफ्थ में क्या है बोले तो ओरिजिनल सॉल्यूशन यहां पर है, उसको हम क्या कर रहे हैं बोले तो डाइल्यूट H2SO4 से ऐड कर रहे हैं। ये क्या है डाइल्यूट H2SO4। ओके तो यहां पर देखो ओरिजिनल सॉल्यूशन भी ऐड कर रहे हैं हम और डाइल्यूट H2SO4 भी ऐड कर रहे हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है मतलब नो पीपीटी है, तो इसका मीनिंग होता है Ca+2 इज प्रेजेंट। तो अभी हम क्या करना है Ct4Ca+2 यानी कैल्शियम का हम क्या कर रहे हैं बोले तो सीटी टेस्ट कर रहे हैं। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं बोले तो Ct4Ca+2 तो एक टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब में हम क्या कर रहे हैं बोले तो ओरिजिनल सॉल्यूशन, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं बोले तो ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस क्या है बोले तो अमोनियम ऑक्सलेट है, ये क्या है बोले तो अमोनियम ऑक्सलेट। ओके तो यहां पर देखो व्हाइट पीपीटी फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसका मीनिंग होता है Ca+2 इज कंफर्म, तो उसके नीचे लिखना है द ग्रुप प्रेजेंट इज फिफ्थ, उसके बाद द बेसिक रेडिकल इज Ca+2, उसके बाद रिजल्ट में लिखना है क्या है बोले तो द एसिडिक रेडिकल इज क्या है CO3-2 एंड द बेसिक रेडिकल इज